दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीपीई शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम न बनाने पर हाईकोर्ट सख्त। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने डीपीई शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम न बनाने पर शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। वह कोर्ट ने 20 मई तक यह नियम बनाने के आदेश जारी करते हुए शिक्षा सचिव को चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक नियम नहीं बने तो उन्हें अदालत की अवमानना के जुर्म में दंडित किया जा सकता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हिमाचल प्रदेश डीपीई संघ द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। वह कोर्ट ने कहा कि 1.5 वर्ष पहले हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को 11वीं व 12वीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले शारीरिक शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने के आदेश दिए थे। वह कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे हाईकोर्ट के फैसले के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वहीं मामले के अनुसार प्रार्थी संघ का आरोप है कि वे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 11वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बिना भेदभाव के अन्य विषयों के स्कूल लेक्चर के बराबर वेतनमान पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उसमें सफलता पाने के बाद NCTE द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले DPE शिक्षकों को सरकार ने अन्य स्कूल प्रवक्ताओं के बराबर वेतनमान तो दे दिए, परंतु नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम नहीं बनाए। इन नियमों के अभाव में वे उच्च पद के लिए पदोन्नति पाने में असमर्थ हैं। मैं प्रार्थी संघ का कहना है कि उनके लिए वर्ष 1973 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम ही आज तक लागू किए जा रहे हैं, जबकि वर्तमान में वे अब अन्य प्रवक्ताओं के बराबर ही वेतनमान ले रहे हैं। मैं कोर्ट प्रार्थी संघ की दलीलों से सहमति जताते हुए 1 दिसंबर 2022 को पारित फैसले के तहत DPE शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने के आदेश दिए थे, जिन्हें आज तक अमल में नहीं लाया गया है। अंबुजा कंपनी ने 16 टायर वालों ट्रकों का माल भाड़ा 1 रुपये घटाया, साथ में दी ये चेतावनी। जेदरला घाट अंबुजा सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों का विवाद फिर से गहरा सकता है। वह कंपनी ने सिंगल एक्सल वाहनों के लिए दरें तय कर दी है। वह 16 टायर वालों ट्रकों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 रुपये कम करने का फरमान जारी किया गया। वह कंपनी ने ट्रक ऑपरेटरों को मेल करके ये जानकारी दी है। वही ट्रक ऑपरेटरों ने इस निर्णय को मानने के लिए इनकार कर दिया है। वह कंपनी के प्रस्ताव के मुताबिक 16 टायर वालों ट्रकों का किराया 1 रुपये प्रति किलोमीटर कम किया जाएगा, जो कि 9.5 रुपये से घटकर 8.5 रुपये होगा। वही कंपनी की ओर से जारी फरमान में यह भी कहा गया है कि अगर निर्धारित रेट ट्रक ऑपरेटर्स को मान्य नहीं है तो 16 पहिया वाले ट्रकों को चलाने के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। वायुसेना में नौकरी का मौका, एयरमैन, मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट भर्ती रैली 3 जुलाई से। वायुसेना में नौकरी पाने का युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के पुरुष उम्मीदवारों के लिए एयरमैन, मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट भर्ती रैली होगी। विंग कमांडर एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला कैंट SBG रेड्डी ने बताया कि एयरमैन के रूप में ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए केवल अविवाहित पुरुष और मेडिकल असिस्टेंट के लिए अविवाहित और विवाहित पुरुष दोनों पात्र होंगे। वह भर्ती रैली 3 से 12 जुलाई तक बेस रेपियर डिपो वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ में होगी। FIR रद्द करवाने पर विधायक अवस्थी और गोड़ को हाईकोर्ट का नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और चेतनी शर्मा के पिता एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करवाने के मामले में अदालत ने कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर गौड़ और संजय अवस्थी को दस्ती नोटिस जारी किए। अदालत ने प्रतिवादियों को 24 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस किए जाए, क्योंकि इनको सुने बिना अदालत FIR रद्द नहीं कर सकती। न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई 24 मई को होगी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। हिमाचल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने मंगलवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल सहित 40 नेता शामिल हैं। वह सूची में राजीव शुक्ला, मुकुल वासनिक, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अलावा आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेश बघेल, मुकेश अग्निहोत्री, सचिन पायलट, विप्लव ठाकुर, आशा कुमारी, धनराम सांडे, राज बब्बर, दीपेंद्र हुड्डा, कोल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, कुलदीप कुमार, चंद्र कुमार, कुलदीप सिंह राठौर, विक्रमादित्य सिंह, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, राजेश धर्मानी, RS बाली, यादविंद्र गोमा, आशीष बुटेल, कैप्टन प्रवीण डावर, रजनीश लिलोठिया, मेजर जनरल सेवानिवृत्त DBS राणा, अलका लंबा व कर्नल रोहित चौधरी का नाम भी शामिल है।
बारहवीं पास कंगना के पास 60 किलो चांदी, 3 लग्जरी कारें सहित 91 करोड़ से अधिक संपत्ति की मालकिन। जो देश की हॉट लोकसभा सीट बनी मंडी से भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रावत करोड़ों की संपत्ति की मालिक है। वह बारहवीं पास कंगना ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह कंगना के पास करीब 91,66,31,239 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्ति है। इसमें चल संपत्ति 28,73,44,239 रुपये है। वह कंगना रावत के पास 1 BMW और 1 Mercedes बेंच कार है। इसके अलावा कंगना 3,91,00,000 रुपये से अधिक की कीमत मर्सिडीज मैबैक के GLS 604M की मालकिन भी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, बाउंड्री के बाहर जाएगा सुधीर का छक्का। जे केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा सेवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों में चौका और 6 हलकों के उपचुनाव में जीत का छक्का लगाएगी। उन्होंने कहा कि धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा का छक्का बाउंड्री से पार हो जाएगा। मैं दावा किया है कि वह चुनाव में पहले ही तुलना में 2 गुने मतों से जीतकर कामयाब होंगे। चक्की मोड़ में मिट्टी की गुणवत्ता की दोबारा होगी जांच, सैंपल लेने का काम शुरू। जब परमाणु शिमला फोरलेन पर चक्की मोड़ में दोबारा से मिट्टी की गुणवत्ता जांची जाएगी। वह सड़क निर्माण के लिए निजी कंपनी ने मिट्टी के सैंपल लेने शुरू कर दिए। यहां पर मशीन लगाकर अलग अलग जगहों से 7 सैंपल लिए जाएंगे। वह चक्की मोड़ के अलावा करीब 1 किलोमीटर आगे सड़क से मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं। वह मिट्टी के सैंपलों की जाँच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही सड़क निर्माण के लिए ड्रॉइंग और डिजाइन तैयार किया जाएगा। वह सड़क की निचली तरफ फिर उसी आधार पर सड़क तैयार की जाएगी। बायोजेनेटिक स्माइलेक्स फार्मा की सदस्यता रद्द, लगे ये गंभीर आरोप। हिमाचल दवा निर्माता संघ ने बायोजेनेटिक ड्रग्स व स्माइलेक्स फार्मा कंपनी की सदस्यता रद्द कर दी है। वह संघ के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि जब तक जांच और नशा बेचने के गंभीर आरोपों से दोनों कंपनियों का प्रबंधन खुद को दोष मुक्त नहीं कर लेता तब तक उनकी प्राथमिक सदस्यता निलंबित रहेगी। वह संघ सरकारी जांच का पूरी तरह से समर्थन करता है। वह संघ के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि हिमाचल दवा निर्माता संघ ने पिछले 5 दिनों से मेसर्स बायोजेनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड और स्माइलेक्स फार्मा कंपनियों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत अध्ययन किया। हिमाचल प्रदेश ड्रग कंट्रोलर की ओर से जारी नोटिस समय और नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से की जा रही कार्रवाई को समझा। दोनों कंपनियों के प्रमोटर MB गोयल से भी जानकारी ली। सांसद बनी तो मंडी पहुंचाऊंगी रेल, बलह में बनेगा एयरपोर्ट, पर्यटन को दूंगी बढ़ावा। जब मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रावत का कहना है कि अगर वह सांसद चुनकर संसद में गई तो मंडी तक रेल पहुंचाने के साथ साथ बलह में रुके हुए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को शुरू करवाने का प्रयास करेंगी। यह बात उन्होंने आज अपना नामांकन भरने के बाद शेरी मंच पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। वह कंगना ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में ऐसे बहुत से पर्यटक स्थल हैं जिन्हें विकसित करना बाकी है। इसके साथ ही यहाँ की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को भी और बढ़ावा देने की जरूरत है। मैं पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। मैं साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर तक रेल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और यदि उन्हें मौका मिलता तो वे इसे मंडी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी। मतदान के दिन 1 जून को खुले रहेंगे हिमाचल के सभी अस्पताल, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 1 जून यानी कि मतदान के दिन लोग स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं रहेंगे। इस दिन प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थान खुले रहेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतदान वाले दिन स्वास्थ्य संस्थान खुला रखने के निर्देश जारी हुए हैं। इस निर्णय से आपात स्थिति में उपचार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वह अधिसूचना जारी होने के बाद मतदान के दिन सभी स्वास्थ्य संस्थानों को खुला रखने के लिए स्टाफ की तैनाती की जा रही है और चिकित्सकों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। वह खास बात यह है कि बड़े अस्पताल ही नहीं बल्कि उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खुले रहेंगे। यहां भी स्टाफ तैनात रहेगा। मैं मतदान केंद्रों में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो उन्हें तुरंत साथ लगते स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया जाएगा। मैं पहले मतदान के दिन केवल क्षेत्रीय अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपात स्थिति में उपचार सुविधा मुहैया होती थी। BRO ने काटा 55 फीट ऊंचा हिमखंड, सैलानियों की पसंद रोहतांग दर्रा चंद कदम दूर। जो सैलानियों की पसंद रोहतांग दर्रा जल्द बहाल होने वाला है। वे मनाली की ओर से बर्फ हटाते हुए नकली टीम रोहतांग दर्रा से चंद कदम दूर है। वे मौसम ने साथ दिया तो 15 मई तक BRO की टीम रोहतांग दर्रा पर होगी। वे लाहौल की ओर से भी बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वे समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। BRO की टीम रोहतांग दर्रा से महज 2.5 किलोमीटर पीछे है। वे रोहतांग दर्रा की बहाली के लिए ब्यास नाला से आगे सबसे अधिक बाधा हुई है।
मैदानी जिलों में एक सप्ताह तक मौसम साफ, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दिन से बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश के कम ऊंचाई वाले व मैदानी भागों में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। ऐसे में इन भागों में पारा और चढ़ने के आसार हैं। वे मध्य व उच्च पर्वतीय सभी क्षेत्रों में भी 16 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 20 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना है। 17 मई को राज्य में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में लगातार 20 मई तक मौसम खराब बना रह सकता है। मैं उधर मंगलवार को राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। मैं नेरी का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 6 सीटों के लिए मैदान में कुल 84 प्रत्याशी। जो 7वें चरण में हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा की सभी 4 और विधानसभा की 6 सीटों के लिए कुल 84 प्रत्याशी मैदान में हैं। मैं बता दें कि मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन कुल 27 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। इनमें मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कांगना भी शामिल है। वे लोकसभा चुनाव के लिए 5 महिलाओं सहित कुल 51 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे, जबकि 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 3 महिलाओं सहित 33 प्रत्याशियों ने ताल ठोकी है। प्रियंका गांधी की बेटी की संपत्ति पर ट्वीट कर फंस गया शख्स, छोटा शिमला में दर्ज हुआ केस। जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की बेटी की संपत्ति को लेकर विवादित ट्वीट करने पर शिमला पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। कांग्रेस ने झूठा व तथ्यहीन ट्वीट करने का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रमोद गुप्ता निवासी छोटा शिमला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 10 मई को अनुप वर्मा नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर हैंडल से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की बेटी मीराया वाड्रा के नाम पर 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का झूठा व निराधार ट्वीट किया है। इसके जरिए लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आम जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल किया है। डलहौजी स्कूल में एक साथ 10 छात्र बीमार। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी में सोमवार को एक साथ कुछ विद्यार्थियों की तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी। इसमें विद्यार्थी सिर दर्द, चक्कर आना व पेट दर्द आदि की शिकायत करने लगे। वह कुछ छात्र तो बेहोश होने लगे। इसको देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत नागरिक अस्पताल को सूचित किया और एम्बुलेंस के माध्यम व अन्य माध्यमों से अधिक खराब तबीयत वाले बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि कुछ बच्चे स्कूल में अपने आप ठीक भी हो गए। वह अस्पताल पहुंचने पर तुरंत डॉक्टर की टीम ने बच्चों का इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद बच्चों की हालत अब ठीक बताई जा रही है। मैं गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी इसी स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चों में इस तरह की बीमारी के लक्षण पाए गए थे। उस समय भी उन्होंने स्थानीय अस्पताल पहुंचाकर इनका इलाज करवाया था, लेकिन सोमवार को फिर कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने से यह बात उठ रही है कि आखिर बार बार बच्चों को इस तरह की समस्या क्यों हो रही है। इसके लिए यह भी मांग की जा रही है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों, जिनमें मनोचिकित्सक भी शामिल हों, की एक टीम गठित कर बच्चों की काउंसलिंग की जाए। मुल्थान से मलबा हटाने में जुटी हाइड्रो पावर कंपनी की मशीनें। जब मुल्थान में 4 दिन पहले टनल के हिसाब से आए पानी और मलबे ने खूब तबाही मचाई है। मैं मुल्थान बाजार व लोगों के घरों में मलबा भर गया है। मैं हादसे के 4 दिन बाद सोमवार को केयू हाइड्रो पावर कंपनी के अधिकारियों ने जेसीबी मशीनें और मजदूरों को काम पर लगाकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी कंपनी की तरफ से प्रभावितों को अभी तक राहत राशि नहीं मिल पाई है। वे पीड़ितों में अछरी देवी, रमीला कांटा, अशोक, लालचंद व मनोज ने कहा कि हम सभी अपने परिवारों को लेकर होटलों में रह रहे हैं। मैं लोगों ने कहा कि इस त्रासदी में सब कुछ खत्म हो गया। मैं पहनने के कपड़े भी लोग और रिश्तेदार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि टनल के हिसाब से बाए पानी के बहाव से जो नाला बन गया उसमें अभी भी पानी भरा है। मैं अभी भी लोगों को तबाही का डर सता रहा है। पेपर पास करवाने के लिए युवक से 30,000 की ठगी। जब परीक्षा में पास करवाने के नाम पर एक युवक के साथ कथित धोखाधड़ी का समाचार सामने आया है। वह पीड़ित ने पुलिस थाना अम में शिकायत दर्ज करवाई है। मेजवाई मुबारकपुर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत में कहा है कि वह एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है। मैं करीब 2 माह पहले उसकी मुलाकात अम से सटे गाँव के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने गाड़ी बदलने और अन्य गाड़ी लेने को लेकर उसके पास आना जाना शुरू कर दिया। मैं गत दिनों वह कहने लगा कि वह आपको बीटेक डायमेनिक मशीनरी के पेपर में पास करवा देगा। इसके लिए उसने 50,000 रुपये की डिमांड रखी। वह उसके झांसे में आ गया और उसने उस 24,000 रुपये केस व 6,000 रुपये उसके खाते में ऑनलाइन डलवा दिए। मैं आरोपी ने पैसे लेने के बाद न तो उसका काम किया और अब न ही वह पैसे वापस कर रहा है। मैं पीड़ित ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। मैं थाना प्रभारी अम गौरव भारद्वाज का कहना है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। समय से आगे चल रहा है मानसून।
जो भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपने निर्धारित समय से 3 दिन आगे चल रहा है। वह 19 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी अंडमान सागर में प्रवेश कर जाएगा। इसके अलावा यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के कुछ हिस्सों में भी उसी दिन तक प्रवेश कर जाएगा। वह अमूमन हर साल 22 मई को मानसून इस हिस्से में पहुँचता है, लेकिन इस साल उससे 3 दिन पहले ही प्रवेश करने जा रहा है। वह मानसून सामान्यतः 1 जून के आसपास केरल में दस्तक देता है। इसके बाद यह आमतौर पर तेजी के साथ उत्तर की ओर बढ़ता है और 15 जुलाई के आसपास पूरे देश में छा जाता है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि इस साल देश में सामान्य से ज्यादा मानसूनी बारिश होगी। वह भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 अप्रैल को अपने दीर्घकालिक पूर्वानुमान में कहा था कि जून से सितंबर के बीच देश में 5% की त्रुटि के साथ मानसूनी वर्षा करीब 106% रहने की उम्मीद है, जो सामान्य से ऊपर माना जाता है। HPU 1 माह में देगी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट। जब प्रदेश के कॉलेजों में MA अंग्रेजी के पेपर में छात्रों के पेपर रीचेक किए जा रहे हैं। HPU प्रशासन का कहना है कि इसमें पूरा प्रयास है कि छात्रों का रिजल्ट 1 माह के भीतर जारी हो जाए, ताकि उनका रिजल्ट जल्द से जल्द क्लियर हो सके। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्रों को 3 विकल्प दिए गए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से करवाई गई PG अंग्रेजी विषय की परीक्षा में चल रहे विवाद को लेकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रत्येक स्टूडेंट को 600 रुपये प्रति पेपर फीस चुकानी होगी। गौर रहे कि बीते दिनों नवंबर 2023 में हुई PG की अंग्रेजी 3rd semester की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। इस दौरान संजोली और रामपुर कॉलेज के सैकड़ों छात्रों को फेल किया गया। मैं इसमें कई ऐसे स्टूडेंट भी थे जो 2rd semester की परीक्षा में मेरिट में रहे थे। मैं संजोली कॉलेज में MA अंग्रेजी के 3rd semester के रिजल्ट में महज 1 ही छात्र पास हुआ। मैं कुल 17 में से 16 छात्रों को फेल किया गया। चिंतपूर्णी इलाके में बेकाबू हुई भीषण आग, धू धू कर जल रहे जंगल तिनका हो गया राख। जो चिंतपूर्णी के जंगलों में भीषण आग लगी है, मैं जिसके चलते जंगल धू धू कर जल रहे, मैं काफी प्रयासों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। मैं कई जगहों पर आग बुझाने के बाद फिर से लपटे नजर आ रही है। एक जगह पर यदि आग पर काबू पाया जाता है तो फिर किसी दूसरे जंगल में भीषण आग भड़कने की सूचना आ जाती है। टांडा मेडिकल कॉलेज ने की बड़ी उपलब्धि हासिल, बिना चीरा लगाए हृदय रोगी का बदला वाल्व। जे कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम ने पहली बार TAVI सर्जरी की। इस सर्जरी को करके चिकित्सकों ने नूरपुर के 78 वर्षीय बुजुर्ग की जान बचा ली। वह बिना चीरा लगाए रोगी के हृदय का वाल्व बदल दिया। इसके बाद बुजुर्ग को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद के लिए आयोजित परीक्षा की आंसर की जारी। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद को भरने के लिए बीते 9 मई को आयोजित हुई परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। बता दें कि अब उम्मीदवार आंसर की को लेकर 18 मई तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वे आपत्तियां 100 रुपये प्रति प्रश्न और अधिकतर 500 रुपये प्रति पेपर फीस ऑनलाइन देकर दर्ज करवा सकते हैं। वे इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए उम्मीदवार आयोग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। पंजाब के तलवाड़ा में हादसा, तेल से भरे टैंकर से टकराई HRTC की वोल्वो बस। ये दिल्ली से चंबा आ रही शिमला के तारादेवी डिपो की वोल्वो बस की पंजाब के तलवाड़ा के पास तेल से भरे एक टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई। मैं हादसे के दौरान बस में सवार एक लड़की की चोटें आई है। मैं घटना के दौरान करीब 1 घंटे तक उक्त रोड पर वाहनों की आवाजाही थमी रही। बताया जा रहा है कि दिल्ली से चंबा की तरफ आ रही बस सुबह 5 बजे जैसे ही पंजाब के तलवाड़ा के पास पहुंची तो एक मोड़ पर तेल से भरे टैंकर के साथ टकरा गई। मैं हादसे के दौरान बस चालक की सीट के साथ पीछे वाले 3 शीशे भी टूट गए। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वाहनों को साइड में करवाकर जाम खुलवाया। बस में सवार यात्री पारुल जसरोटिया ने बताया कि हादसे के चलते लगभग 1 घंटे तक लोग परेशान हुए। पुलिस की कार्रवाई के बाद पीछे से आ रही दिल्ली डलहौजी बस में सवारियों को बैठाया गया। गनीमत रही कि तेल के टैंकर का पिछला हिस्सा बस से नहीं टकराया, अन्यथा तेल निकलने से आगजनी जैसा बड़ा हादसा हो सकता था। बस में करीब 40 से अधिक यात्री सवार थे। दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ में टसी गंग के लिए साइकिल रैली रवाना, CEO ने ग्रिज से दिखाई हरी झंडी। जो 1 जून को हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए मकसद से राज्य निर्वाचन विभाग ने साइकिल अभियान की शुरुआत की है। वह शिमला के रिज मैदान से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ टसी गंग के लिए साइकिल अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 14 से 20 मई तक चलेगा। यह अभियान 414 किलोमीटर का सफर तय कर शिमला से ठियोग, रामपुर, रिकांगपियो होता हुआ काजा टसीगंज पहुंचेगा। मैं अभियान की अगुवाई मंडी के साइकिलिस्ट जसप्रीत पाल कर रहे हैं। मैं जिन्हें निर्वाचन विभाग हिमाचल द्वारा राज्य चुनाव आइकन बनाया गया है।
वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वन प्राणी के अवशेषों के साथ दो व्यक्ति गिरफ्तार। जो वन विभाग चंबा को वन्य जीवों के अवशेषों की तस्करी के मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि वन विभाग की टीम ने खज्जियार में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वन्य प्राणी के अवशेषों के साथ दो बाहरी राज्यों से आए व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी अन्य राज्यों से वन्य जीवों को मारकर उनके अंग धार्मिक और जादू टोने के साथ जोड़कर चंबा के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को बेचकर उनसे मुंह मांगे दाम वसूलते थे। मेरा वोट मेरा भविष्य थीम पर 19 मई को दौड़ेगा चंबा। जिन लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिला चंबा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से 19 मई को जिला मुख्यालय में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। वह उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित होने वाली यह मैराथन मेरा वोट मेरा भविष्य थीम पर आधारित होगी। बैजनाथ के टिकरी गांव की रितिक चौधरी एयरफोर्स में बनी लेफ्टिनेंट। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ के टिकरी गांव की रितिक चौधरी का एयरफोर्स अस्पताल बंगलुरु में बतौर लेफ्टिनेंट चयन हुआ है। रितिक के पिता कुलदीप चौधरी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर हैं। वे माता उषा कुमारी गृहिणी है। पिता ने बताया कि रितिका की आरंभिक शिक्षा विशुद्धा पब्लिक स्कूल से हुई है और उसके पश्चात उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग घनाहट्टी से नर्सिंग स्नातक की डिग्री की। वे शॉर्ट सर्विस कमीशन क्वालिफाई कर बतौर मिलिट्री ऑफिसर बनी है। मैं 2 जून को रितिका बंगलुरु में तैनाती देंगी। मैं रितिका चौधरी ने कामयाबी का श्रेय दादा लेफ्टिनेंट भिक्रम चंद को दिया है। पाकिस्तान के एटम बम का खौफ दिखाने वाले विपक्षी नेताओं को पीएम ने भी देश में ललकारा है। वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मंडी में कांगना रोड की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम पहना देंगे। आजकल कांग्रेस के नेता पूरे देश में अब पाकिस्तान कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि देश में टुकड़े गैंग एक बार फिर एक्टिव हो गया है। वे पाकिस्तान के एटम बम का खौफ दिखाने वाले विपक्षी नेताओं को पीएम ने भी देश में ललकारा है और आज जीत भी ललकार रहे हैं। वे पीएम मोदी ने हमेशा आतंकियों को दिया है मुंह तोड़ जवाब दिया है और आने वाले समय में भी देते रहेंगे। नगरोटा सूर्या में 92 पेटी शराब बरामद। जो लोकसभा चुनावों में शराब का खेल सरेआम चल रहा है। मैं लगातार शराब की खेप पकड़ी जा रही है लेकिन फिर भी माफिया सुधर नहीं रहा है। मैं आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नगरोटा सूर्या में एक घर से 92 पेटी अवैध शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। वह मंगलवार को पुलिस ने आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम के साथ रमेश चंद निवासी नगरोटा सूर्या के घर में दबिश दी तथा 92 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। वह पुलिस ने बताया कि 74 पेटी अंग्रेजी शराब व 18 पेटी बियर बरामद की है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त जोगिंदर नगर शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नगरोटा सूर्या में रमेश चंद के घर से 92 पेटी शराब बरामद की है। मैं आबकारी एवं कराधान विभाग ने रमेश चंद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।